में भी हम तेलंगाना चलते हैं क्योंकि तेलंगाना में 15 किलोमीटर की पदयात्रा पर राहुल गांधी निकले। राहुल गांधी जब इस पदयात्रा पर निकले तो राजनीति ने क्या शक्ल अख्तियार किया वो भी देखिए। इसे विपक्ष की राजनीति की रवायत कहिए या राहुल के आक्रामक तेवरों की एक और किश्त, चिलचिलाती गर्मी में राहुल गांधी एक बार फिर चल पड़े किसानों के हितों की पदयात्रा पर। किसानों की मजदूरों की सरकार नहीं है, सूट बूट की सरकार है, चुने हुए उद्योगपतियों की सरकार है, चुने हुए लोगों के लिए बहुत अच्छे दिन है, मगर हिंदुस्तान का जो किसान है, मजदूर है, छोटा बिजनेसमैन है, उसके लिए अच्छे दिन नहीं आए। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के कोरितिकल गांव से शुरू होकर लगभग 15 किलोमीटर लंबी पदयात्रा में राहुल गांधी लक्ष्मण चंदा, पोट्टुपल्ली, राचापुर और वदियाल गांव भी गए। तेलंगाना में अब तक 700 किसानों ने आत्महत्या की है। ऐसे ही एक परिवार को उन्होंने आज मुआवजे का चेक थमाया। वो अम्मा से बात किया, 2 लाख दिया और उसको जॉब दे बोल के सोच लड़के को जॉब देने क्या पूछा। राहुल का मकसद जो भी हो, बीजेपी को ये पदयात्रा केवल पॉलिटिकल पर्यटन नजर आती है। किसानों की बदहाली यूं तो हमारे देश में दशकों से, जाने क्यों विपक्ष की कुर्सी ही उनकी सुध लेने का वक्त देती है। मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।